आप मेरा इस दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं रहा। ये पृथ्वी, ये आकाश, ये जल, ये हवा, ये सब मेरे वश में है। मैं ही इस दुनिया का कल्याण करूंगा और मैं ही इस दुनिया में सभी की मदद करूंगा। सब मुझसे मदद मांगेंगे। मैं इस दुनिया का भला करने आया हूँ। मेरा इस दुनिया में भला करने के लिए ही जन्म हुआ है। अब मुझ पर कोई भी बुरी शक्ति हावी नहीं हो सकती। मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का कब्जा नहीं हो सकता। मैंने तो तुझे मार दिया था, तू वापस कैसे आया? तुमने तो मुझे मार दिया था, मगर तुम एक बात भूल गए कि बुराई का कभी अंत नहीं होता। इसलिए रावण हर साल जलाया जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि रावण अमर है। अब इसका अंत करना ही पड़ेगा। अब तेरा खेल खत्म। मैं कमजोर पड़ रहा हूं। तुम मेरी शक्ति तो ले लोगे, लेकिन एक और है जिसका जन्म तुम्हारे अंत के लिए हुआ है। मैंने तुम्हें तो ढूंढ निकाला है, उसे भी बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा और उसकी भी शक्ति मेरी होगी। चलो भी उसकी मजा ले। ये 10 वाली रात्रि ले लो। कालू कहाँ जा रहा है? Hey!
हो गया मेरे मुन्ने? तुमने कैसा मुझे पैदा कर दिया, सब चिल्लाते हैं, कालू कालू चिल्लाते हैं, हम जहाँ भी जाते सब परेशान करते हैं, चढ़ाते हैं कालू कालू कालू। कौन ने चढ़ा दिया मेरे बच्चे को, है नाम बता मोखो? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, अभी भी छोटे छोटे बच्चे कंजा खेल रहे थे तो बेबी मजाक उड़ाते हैं, अभी मैं दुकान गया था तो बेबी सब मजाक उड़ाते हैं, जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ सब मेरा मजाक ही उड़ाते हैं। कैसा पैदा कर दिए तुमने हमको? अरे मेरे मुन्ने, तू लोगों की बातों में बता यकीन मत मान, तू बता अभी अंदर जाओ खाना खा जाए तो सब लोग बोलते रहते हैं, अभी पूरी दुनिया को तेरा राज नहीं मालूम, जिस दिन पता चल जाएगा ना तो सब तेरे पांव पड़ेंगे। हमें नहीं खाने खाना, हम जा रहे। अरे मुन्ना कहाँ जा रहा है, चल यार खाना खा ले, लोगों की बातें तो बोलते रहते हैं, चल यार मुन्ना चल यार। हमें नहीं खाना खाना, चल यार। क्या हो गया बेटे? कौन हो तुम? यहाँ भी लोग चैन से बैठने नहीं दे रहा है। क्या हो गया बेटे, क्यों रो रहा है तू? यहाँ अकेले जंगल में बैठा हुआ है। यहाँ भी लोग मजाक उड़ाने आ गए, चैन से जीने तक नहीं देते। दुनिया वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं अपने घर में एक ऐसा लड़का हूँ जो ऐसा पैदा हुआ हूँ, सब मेरे को कलुआ कलुआ भड़ुआ करते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना तो मेरा सब मजाक उड़ाते हैं। घर से भक्कर आ गया। घर से बिना बताए भक्के आ गया क्या? बिना बताए भक्के आ गया। दुनिया को तेरे बारे में नहीं पता है, तू क्या चीज है? लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे क्योंकि तेरी शक्तियों का उनको नहीं पता, मगर मैंने आज तेरी शक्ति जान लिया हूँ। आज मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा और तेरी पूरी शक्ति तेरे पास आ जाएगी। कौन सी शक्ति, कौन सा मेरा जन्म? पूरी दुनिया वालों के लिए मैं एक मनुष्य पैदा हुआ हूँ अपने घर में, सब मेरा मजाक उड़ाने के लिए पैदा हुए है। तुम्हें उस शक्ति का अंदाजा नहीं है, तुम एक कुंभू पांडा हो, ये दुनिया वालों को नहीं पता है। तुम्हारा जन्म एक राक्षस को मारने के लिए हुआ है। तुम्हारी पूरी शक्ति मैं वापस दिलवाता हूँ, और तुम्हारे भी एक महाराजा है, वो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। आओ मेरे संग, मैं तुम्हें पूरी ट्रेनिंग देता हूँ कुंभू पांडा की।
तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है जी गुरु। ये दुनिया अब तुम्हारा कभी मजाक नहीं उड़ाएगी। आप बोल रहे थे एक राक्षस को मारने के लिए मेरा जन्म हुआ है, वो राक्षस मेरे को कब मिलेगा? सही समय आने पर वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। जी गुरु। मैं तुम्हारा लड़का नहीं हूँ, तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? अरे मेरे मुन्ने, क्या हो गया, क्यों गुस्सा है? ना मैं इस दुनिया का हूँ, ना मैं तुम्हारा लड़का हूँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे मेरे मुन्ने, तू कैसी बातें कर रहा है, और तू बिना बताए कहाँ भाग गया था, और किसने तेरे कान भर दिए? चल अंदर चल, खाना खा ले। हमें नहीं खाना खाना आना, पहले ये बताओ कि हम तुम्हें कहाँ मिले थे? अरे मेरे मुन्ने, मुझे नहीं पता कि ये सब बातें तुझे किसने बताई है, मगर तू इतना बोल रहा है तो मैं तुझे बता दे रहा हूँ। आज से कई वर्ष पुरानी बात है, हमेशा की तरह मैं लकड़ी काटने नदी के किनारे जाता था, तो तू मुझे वहाँ पर छोटा सा बेहोश पड़ा मिला था। अरे बेटा, बोलो बेटा, कौन हो तुम? अरे लगता है ये बेहोश हो गया है, यहाँ कोई देख भी नहीं रहा है, इसको मैं घर ले जा लेता हूँ। और मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कुछ नहीं देखा, तो मैं तुझे उठाकर घर ले आया। जब ऐसी बात थी तो पहले बता देते कि मैं तुम्हारा लड़का नहीं हूँ, मैं कहीं डला मिला था। मैं तेरे बड़े होने का इंतजार कर रहा था, जैसे ही तू बड़ा हुआ तो मैं तुझे बताने ही वाला था। एक दिन मुझे घर के बाहर एक कागज डला हुआ मिला था, और मैंने उस कागज को देखा तो उसमें तेरी पहचान लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि तू एक कुंफू पांडा है और तू आम आदमी नहीं है, तेरा जन्म एक राक्षस को मारने के लिए हुआ है। अच्छा ठीक है, आज वो समय आ गया, आज मेरे को एक गुरुजी मिले थे जो कुंफू पांडा की ट्रेनिंग सिखा रहे थे, और मैं पूरी तरह से सीख गया हूँ। मैं जा रहा हूँ राक्षस को मारने के लिए, इसलिए मैं तुझे सच नहीं बता रहा था, मगर तू जा रहा है तो तू चले जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहे। अबे तुम लोग हमें परेशान ना करो। क्यों, ये कौन सी दुनिया है? कुंफू पांडा कहाँ रहता है? वो कालू था। हाँ। वो जंगल काट गया है। ठीक है। पता नहीं वो कौन सा राक्षस है, मैं उससे लड़ पाऊंगा कि नहीं, वो कितना ताकतवर है। लगता वो ही बैठा है कुंफू पांडा, उसकी शक्ति भी मैं ले लूंगा और अमर हो जाऊंगा। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? तुम मुझे नहीं जानते हो, मगर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं तुम्हारी गुरु की शक्ति लेके आया हूँ और तुम्हारी भी शक्ति लेके रहूंगा। अच्छा, तू वही राक्षस है जो मेरे गुरुजी ने कहा था कि सही वक्त आने में पता चल जाएगा। अच्छा, तो तू मुझे जानता है? अगर जानता है तो तू यह भी जान ले कि मैं तेरी शक्ति लेने आया हूँ। ये भी अपने गुरु के जैसे चालाक निकला, अब इसकी जल्दी शक्ति लेना पड़ेगा।
मैं क्यों भाग रहा हूँ? मेरा जन्म तो राक्षस को मारने के लिए हुआ है। अच्छा तो तू अब लड़ेगा मुझसे, तो लड़। जब मैंने तेरे मास्टर की शक्ति ले ली तो तू कौन सी चीज है? बहुत हुआ बच्चों का खेल, अब मैं तेरी शक्ति लेकर ही रहूंगा। मेरे पास ना ही हो, मैं लड़वा मारता हूँ। कौन सी शक्ति है वे? बहुत हुआ बच्चों का खेल, तुझे अभी नहीं पता कि मैं जिसके भी सर में हाथ रख देता हूँ उसकी शक्ति मेरे पास आ जाती है। मैंने तुझसे बोला था ना कि मुझसे मत उलझ, मैंने तेरी पूरी शक्ति ले ली ना, अब इस दुनिया में फिर से बुराई का राज होगा। अरे उसने इसका भी अंत कर दिया है, अब इस पूरी दुनिया में बुराई का राज होगा। मगर मैं ये होने नहीं दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं पूरी शक्ति इसको दे देता हूँ। गुरुजी, यहाँ गुरुजी आए थे, उन्होंने पूरी शक्ति हमको दे दिए और मेरा पुनः जन्म हुआ और मैं इस राक्षस को मार के रहूंगा। कितनी ही शक्तिशाली हो, अंत में सच्चाई की जीत होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे सारे? मैं संजू बाबा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है हम लोग ने, इस बार कुछ नया दिखाया है। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और इसका सेकेंड पार्ट भी है, वो अगर देखना हो तो पार्ट टू कमेंट में कर दो। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।